नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर वन, मनी एंड बैंकिंग है। उसके अंदर हम लोग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं डिफरेंट पार्टीज़ पे, उसके बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो इन्फ्लेशन होता है उसको किस टाइप से कंट्रोल करा जा सकता है, या उसके मेजर्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं। दूसरा डिफ्लेशन है, उसको किस टाइप से कंट्रोल करा जा सकता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा प्रसार है उसको नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय होते हैं। और भी सिंपल वर्ड्स में बोले तो महंगाई होती है उसको किस टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें नंबर वन आता है मॉनेटरी मेजर्स, मौद्रिक उपाय। मॉनेटरी मेजर्स मीन्स ये बेसिकली आपके आरबीआई के थ्रू, यानी किसी भी कंट्री में वहाँ के सेंट्रल बैंक के थ्रू इनको अप्लाई करा जाता है। मॉनेटरी मेजर्स में भी दो तीन चीज़ें खास तौर से इसमें करी जाती है। एक तो बैंक रेट, रेपो रेट, इनको इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे सामान्यतः क्या होता है, बैंक से मिलने वाले लोगों के लिए कॉस्टलियर हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। दूसरा, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाता है। दोनों को इंक्रीज करने से मनी सप्लाई है वो आपकी एक टाइप से उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज होने लग जाते हैं, या मनी सप्लाई है वो डायरेक्टली डिक्रीज होने लग जाती है। उससे क्या लोगों के पास में इनकम कम होती है या मनी कम पहुंचती है, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है, और उसी से डिमांड डिक्रीज होने लग जाती है। सिमिलरली डिमांड डिक्रीज होने से आपके प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज सेल आउट होती हैं वो कम होती है, और प्राइसेस वापस से रिड्यूस होने लग जाती है। तो मॉनेटरी मेजर्स में खास तौर से आरबीआई के थ्रू जो भी मेजर्स यूज करे जाते हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। फिर सेकंड आता है फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय। इसमें मेनली एक चीज आती है, जो फिस्कल मेजर्स है या फिस्कल पॉलिसी है, वो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी सरकार है उसके आय और व्यय का एक टाइप से लेखा जोखा होता है। किसी भी केस में जब जनरल पब्लिक की इनकम को कम करना होता है तो उस केस में रेट ऑफ टैक्स है उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। अब ये रेट ऑफ टैक्स है वो दोनों साइड हो सकती है, डायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं और जीएसटी को भी इंक्रीज करा जा सकता है। जब टैक्स रेट इंक्रीज होंगी तो एक डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होते हैं, उस केस में लोगों की इनकम डायरेक्टली डिक्रीज हो जाती है, और जीएसटी वगैरह इम्पोज करने से प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, और उस केस में लोग उसको परचेज नहीं कर पाते, तो इनडायरेक्टली डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर थर्ड इसमें आता है एक्सेस लोन्स, अधिक ऋण। एक्सेस लोन्स यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी पब्लिक पब्लिक अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जनरल पब्लिक से लोन लेना स्टार्ट कर दें, जिससे लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, उनके हाथ में कम पैसा रहेगा और इनडायरेक्टली उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अबोलिशमेंट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे के बजट की व्यवस्था का त्याग कर देना। जनरली क्या होता है, जब कभी भी बजटरी डेफिसिट होता है उस केस में गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक से बोल के एक्स्ट्रा नोट है वो प्रिंट करवा लेते हैं, और उससे महंगाई बढ़ने लग जाती है। अब इस केस में ये सजेस्ट करा जाता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर जितने भी हैं उनको कंट्रोल करे, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के मेजर्स हैं उनको यूज़ करना बंद कर दे। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम होंगे और गवर्नमेंट है उसकी डिपेंडेंस है वो डायरेक्टली जनरल पब्लिक पे बढ़ जाएगी, तो पब्लिक के हाथ में फिर से कम पैसा रहेगा, अगेन डिमांड है वो डिक्रीज होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्राइस कंट्रोल एंड रैशनिंग, मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इम्पोज कर सकती है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अपर प्राइस लिमिट है वो फिक्स कर दी जाए कि इससे ज़्यादा पे आप नहीं सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा, रेशनिंग का मीनिंग ये आता है कि आप पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, उससे ज़्यादा वो परचेज ही नहीं कर सकता, तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी होने के बावजूद उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो अगेन आपकी प्राइस है वो स्टेबल होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। प्रोडक्शन इंक्रीज होता हो जाता है तो उस केस में डेफिनेटली उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है, जब ओवर सप्लाइड प्रोडक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस कम होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है एनकरेजमेंट टू सेविंग्स, बचतों को प्रोत्साहन। अब किसी भी पर्सन के पास में
एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम होता है, उसमें से वो कुछ एक्सपेंडिचर करता है, रिमेनिंग उसकी सेविंग्स होती है। अब आप जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें से भी लोगों को ज़्यादा प्रमोट करें कि आप ज़्यादा सेव करें, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाए या ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च कर दिए जाएं जिन पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो, तो लोग इंटरेस्ट अर्न करने के पर्पज से अपने एक्सपेंडिचर को कम करेंगे और सेविंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होने लग जाती है। जब एक्सपेंडिचर कम होंगे तो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। हालांकि आयातों में वृद्धि करके कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है, बट सर्टेन लेवल पे जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो इमीडिएटली उस केस में कुछ इम्पोर्ट को आप इंक्रीज कर सकते हैं जिससे सप्लाई प्रॉपर हो और प्राइसेस को कंट्रोल करा जा सकता है। बट ये शॉर्ट टर्म मेजर होता है, इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करा जा सकता है। रीजन बीइंग, लॉन्ग टर्म में इम्पोर्ट्स को आप इंक्रीज करते रहेंगे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। और लास्ट आता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, विनियोग प्रतिरूप में परिवर्तन। ये स्पेसिफिकली आता है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट है वो अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेंज करे, या पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज होती है वो अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेंज करें। इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेंज करने पे यहाँ इसका जो मीनिंग आ रहा है वो इतना सा होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट उन इंडस्ट्रीज में होना चाहिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई करते हैं, जिससे कि जितनी डिमांड ज़्यादा होती है उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेजर्स टू कंट्रोल डिफ्लेशन, यानी मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। रीजन बीइंग, इन्फ्लेशन है वो खराब होता है लेकिन डिफ्लेशन उससे ज़्यादा खराब होता है। किसी भी इकोनॉमी में महंगाई नहीं होने से वहाँ की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती है, तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए दो मेजर्स अपने पास में होते हैं, एक मॉनेटरी मेजर्स और दूसरा फिस्कल मेजर्स। मौद्रिक उपाय हैं वो आपकी सेंट्रल बैंक के थ्रू होते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें करी जा सकती हैं। एक बैंक रेट होता है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए जिससे कि लोन पे लगने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होती है और लोग ज़्यादा लोन लेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, रेपो रेट को भी डिक्रीज किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो इमीडिएटली रेपो रेट को डिक्रीज करा जाता है। एक इसमें CRR और SLR दोनों को रिड्यूस कर दिया जाए जिससे बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, साख देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो ज़्यादा मनी आपकी इकोनॉमी में सप्लाई कर पाते हैं। तो इस टाइप से डिफ्लेशन को कंट्रोल करा जा सकता है। फिर सेकेंड आता है फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय। इसमें एक चीज़ आती है वो जहाँ पे इन्फ्लेशन के केस में टैक्स रेट को इंक्रीज करा जाता है तो डिफ्लेशन में टैक्स रेट को डिक्रीज करा जाएगा। डिक्रीज करने से क्या होगा, जो इनकम टैक्स है वो कम होगा तो लोगों की इनडायरेक्टली इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, GST या अदर इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनको डिक्रीज करेंगे तो आपकी प्राइसेज इंक्रीज करते हैं तो प्राइसेज हैं वो इंक्रीज होने लग जाती है। प्राइसेज इंक्रीज होती हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे इकोनॉमी में इस चीज़ का बेनिफिट मिलने लग जाता है। यानी डिफ्लेशन को भी आप मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, एक इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करा जाए और दूसरा डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब आने वाले वीडियोज़ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।